मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या मशिदीवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। सलाह शुरू होने के पहले लोग को बुलाया जाता है सलाह की तरफ। हम देखते हैं कि यहूदी मजहब में वो इस्तेमाल करते ट्रम्पेट लोगों को बुलाने के लिए। लिखा गया ओल्ड टेस्टामेंट में इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 1-3 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहि सलाम से, आप 3 चांदी के ट्रम्पेट बनाओ। ट्रम्पेट को कहा जाता है ना ट्रम्पेट, बोंगा बोंगा तो नहीं कहेंगे लेकिन ट्रम्पेट अंग्रेजी में कहते। ट्रम्पेट का इस्तेमाल करो लोगों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए। ईसाइत में इस्तेमाल करते घंटी की, घंटी बजाते चर्च बेल लोग को बुलाने के लिए। कई कबीले में ढोल का इस्तेमाल होता है लोग को बुलाने के लिए। इस्लाम में इस्तेमाल होती है इंसान की आवाज, और इंसान की आवाज ये जितने आला है इनसे कहीं बेहतर है और सुरीली है। कान को सुरीली होने के अलावा इसके अंदर एक पैगाम भी है। आजान का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो आजान जो होती है लोगों को सलाह के लिए बुलाने के लिए, आवाज सुरीली होने के अलावा ये अफसोस की बात है कि बंबई शहर में जो मस्जिदों में आजान होती है, अफसोस की बात है अक्सर ये आजान सुरीली नहीं होती, कान को तकलीफ ज्यादा देती है, रहनुमाई के बदले तकलीफ ज्यादा देती है। आप अगर हरमैन की आजान सुनेंगे मक्का की या मदीना की, माशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाता है, वो आजान आपको रब की याद दिलाती है। बंबई शहर में जो आजान हम सुनते हैं तकलीफ ज्यादा देती है। सब आजान नहीं, अक्सर हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौजून को इकट्ठा करके उनको तरबियत देना चाहिए, प्रैक्टिस देना चाहिए किस तरीके से आजान देनी चाहिए। क्योंकि आजान के वजह से जब मैं इंटरव्यू करता हूं कई नौ मुस्लिम को, मैं कई नौ मुस्लिम को जानता हूं जो सिर्फ आजान के वजह से इस्लाम कबूल किए। मैं पूछता हूं अक्सर नौ मुस्लिम से, आपको इस्लाम में सबसे ज्यादा पसंद दीदा चीज क्या लगी? अक्सर लोग कहते हैं तौहीद और कई चीजें। कुछ लोगों ने मुझसे कहा वो आजान इतनी अच्छी है कि जब भी आजान सुनता हूं मैं दिल मेरा बाग बाग हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे मौजिन जो है इस शहर में उनकी तरबियत करें कि किस तरीके से सही आजान देना चाहिए। और जैसे मैं कह रहा था कि आजान सुरीली होने के अलावा एक पैगाम देती है हमें। अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान आजान की मानी जानते ही नहीं। तो मुसलमान नहीं जानते तो गैर मुस्लिम कैसा जाने? और मैं एक वाक्य आपसे कहना चाहता हूं, और ये हकीकत वाक्य है। तकरीबन 10-15 साल पहले जब मैं केरला में गया था तकरीर करने के लिए, और ये हकीकत है, मुझे मेहमान खुसूसी बनाया गया था और मेरे तकरीर के पहले एक गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन को बुलाया था, और अपने तकरीर में हर पॉलिटिशियन जो गैर मुस्लिम है कोशिश करता है कि अगर मुस्लिम गैदरिंग देखता है तो वो तारीफ करेगा इस्लाम की। तो ये गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन तारीफ करते करते कहने लगा कि हमारे इस देश में जो मुसलमान मोगल बादशाह अकबर इतने महान काम किए, इसीलिए मुसलमान रोज 5 बार अल्लाह अकबर करके अकबर बादशाह की तारीफ करते।
आप समझ रहे हैं ये जोक है? जोक नहीं, हकीकत है, और मैं खुद गवाह हूं। मैं स्टेज पे बैठा था, अच्छा मेरे तकरीर के पहले उसने कहा, तकरीर में मैंने उसकी गलतफहमी को दूर किया कि हम मुसलमान जब अल्लाह अकबर बोलते हैं तो अकबर बादशाह की तारीफ नहीं करते। अकबर बादशाह तो मौजूद भी नहीं था उस वक्त, अल्लाह के रसूल के टाइम पर अकबर बादशाह कहां थे? जब अल्लाह अकबर कहते हैं उसकी ये मानी है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। इसीलिए हर मुसलमान का फर्ज है कि कम से कम वो आजान की मानी को जाने ताकि खुद के दिल पे असर हो, और साथ साथ जो लोग को इसकी मानी नहीं पता है, गैर मुसलमानों को नहीं पता है, उन लोगों को इसकी मानी बताए। और आजान में हम चार बार दोहराते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुभान व तआला के रसूल है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हय्या लिस्सलाह, हय्या लिस्सलाह, आओ सलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ। हय्या लिल्फलाह, हय्या लिल्फलाह, आओ फलाह की तरफ, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अच्छे काम की तरफ, अच्छे काम की तरफ। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब हम आजान की मानी को जानेंगे फिर हमारे दिल पे आजान का असर और गहरा पड़ेगा। सिर्फ अरबी नहीं जानने के बावजूद पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर इसकी मानी जाने तो इंशाअल्लाह ये और गहरा असर करेगा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर।